अमीर बनने के प्रति क्या होते हैं, जबकि असफल लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रार्थना। और सफल लोग क्या करते हैं, समर्पित होते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, दिख रहा है ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी अपना रास्ता खुद बना रहा है, ये खुद बना रहा है, इसको पता है मुझे जाना कहां है। अब आप सोच के देखिए, जब आपको बताया गया था कि ये ज्ञान का महाकुंभ होने वाला है, आप सभी योद्धाओं को इस ज्ञान के महाकुंभ में अपने सपनों का जो कलश है उसको स्थापित करने जाना है और अपनी जिंदगी को एक मकसद देने जाना है। जब ये चीज बताई गई तो लोगों ने आने के रास्ते खोजे। सही कह रहा हूं, हमने भी खोजा, आपने भी खोजा। मुझे हवाई जहाज मिला, मैं जहाज से यहां आया। कुछ लोग ट्रेन से आए, कितने लोग आए ट्रेन से, हाथ उठाओ एक बार। बहुत लोग आए यार, ताली हो जाए अपने आपके लिए भाई, क्योंकि सबसे बढ़िया सफर ट्रेन का सफर रहता है ना, पूरा टीम के साथ ग्रुप में मजा आता नहीं आता। अगर तो अकेले सफर करना है तब तो हवाई जहाज में जाओ, तब तो ट्रेन में पागल हो जाओगे, समझ आया नहीं आया। लेकिन अगर टीम के साथ जा रहे हो कहीं भी, तो किस में जाना है, ट्रेन में जाना है, मजा आता है ग्रुप में, समझ आया नहीं भाई। हम तो जहाज में आए क्योंकि हमारा मंजिल क्या था, पूरी था, ये होटल था, ये जगह था, पहुंचना था। आप लोग कैसे पहुंचे, ट्रेन से। लेकिन कुछ लोग गाड़ी से आए, क्यों मेरे पांच स्कॉर्पियो खड़ा, कितना चार स्कॉर्पियो, चार स्कॉर्पियो खड़ा, 40 लोग स्कॉर्पियो में आ गए, समझ आया नहीं। लेकिन परसों कुछ लोग बस में भी आए थे, लोगों ने अलग अलग रास्ते तैयार किए पहुंचने के, किए ना किए नहीं, घर से निकले, टेम्पो लिया, रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन से स्टेशन पहुंचे, वहां से फिर टेम्पो लिया, टेम्पो से यहां पहुंचे, पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि मकसद साफ था, जाना कहां है। जो कि यहां पे हमारी जो लेडी वॉरियर्स बैठी हैं, उनके लिए भी वो एक क्या हो सकता है, एक सीख मिल सकती है, वास सीख सकते हैं कि यार अगर नाजिया खान जब पौने 5 लाख का एक सप्ताह का चेक बना सकती है, तो हमारी जो लेडी वॉरियर है ये भी तो बना सके, बनाएंगी ना। वो वक्त वो भी आएगा जब आप में से बहुत सारी औरतें होंगी जिनका चेक उन नाजिया खान से बड़ा होगा, यकीनन बड़ा होगा। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा, नाजिया जी को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी फोटो हम अपनी टीम में भेजते हैं, समझ आया नहीं। तो भैया खुशी में खुश होना सीखिए, समझे नहीं समझे बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग क्या करते हैं, जलते हैं, इतना बड़ा चेक कैसे बना, मेरा क्यों बना। और कई बार क्या होता है, इतनी अच्छी अच्छी सेल्स आती है टीम में ऑन द स्पॉट, 400 बीवी टीम में ऑन द स्पॉट, 600 बीवी, तो कुछ लोगों को मैं देखता हूं उस पर जवाब ही नहीं देते। वो सोचते हैं 600 बीवी मतलब 600 बीवी आया किसका, राजेश का आया, चेक किसका बनेगा, राजेश का, तो मैं क्यों ताली बजाऊं। अरे साला 600 आया तो टीम को दिखाओ ना उस चीज को, खुद भी सीखो टीम को भी दिखाओ, खुद भी सीखो टीम को भी दिखाओ, सिखाओ कितने बड़े बड़े चेक बनते हैं, इतना बड़े बड़ा बिजनेस वॉल्यूम निकलता है, समझ आया नहीं। और वही नाजिया खान की वीडियो आज से 3-4 साल पहले सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुई थी, नाजिया खान की वीडियो 3-4 साल पहले सोशल मीडिया में, यूट्यूब में वीडियो चल रही है, फेसबुक पर लोग वीडियो देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, आता था लिखने का बाहर ऑप्शन आता था, लोग लिख रहे हैं देखिए, कुछ लोग लिखते थे देखिए आईएएस का पावर, कुछ लोग लिखते हैं देखिए आईपीएस का पावर, कि कैसे एक औरत चल रही है लोग उसके पैर छू रहे हैं, जबकि मुस्लिमों में पैर छूना वर्जित है, नहीं छूते, हमारे में बाकी में छू लेते हैं लेकिन वहां नहीं छूते, लेकिन लोग उसके पैर छू रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जिनको पता नहीं था ये नाजिया है कौन, सब अपना अपना मत लिख रहे थे, कोई कह रहा है आईएएस, कोई कह रहा है आईपीएस। तो मैंने वहां पे उनको जवाब दिया कि मैंने सालो ना ये आईपीएस है ना ये आईएएस है, ये सेफ जॉब की लेडी डायमंड है मेरे दोस्त।
जहां पे लोग इतना सम्मान देते हैं, यहां सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मान मिलता है, ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर से निकल कर आता है। यहां किसी को पैर छूने के लिए नहीं कहा जाता, खुद छूते हैं। समझ आया? किसी को लगता है कि नहीं मैं सीख रहा हूं, ये मेरे गुरु है, वो खुद छूता, और छूना भी चाहिए। मैं अच्छी मानता हूं, आप जिससे भी ऐसा मत करो कि भैया देखा देखी मैं छू, देखा देखी मैं नहीं छूता कि यार मैं छू रहा, चलो मैं भी छू लेता हूं, ऐसे नहीं करना। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आप उनको गुरु मानते हो तो आप छूए। समझ आया ना? छूना ही छूना। और छूने से मुझे याद आया, जब मेरी एंट्री हो रही थी, और ये चीज मैं पिछले जो ग्रुप में हमारा जो ग्रुप आया था उसमें भी हुआ, उससे पहले वाले ग्रुप में भी हुआ, कि जब मैं आ रहा था तो कुछ लोग थे जो रास्ते में मेरे नजदीक थे, वो आए, उन्होंने मेरे पैर छुए, उन्होंने मुझे नमस्ते की। लेकिन कुछ लोग बेचारे दूर थे, उन लोगों ने क्या किया मालूम? उनको जो लगा हाथ में उन्होंने वो छुआ, किसी का कंधा लगा वो सारा कंधा ही छू रहा है, कोई पेट छू रहा है। समझ आ रहा है? तो लेकिन उनका मंशा साफ था कि यार छूना है। समझ आ रहा है? कुछ भी छू। वही चीज है कि आप ट्रेनिंग में आए हो कि यहां से कुछ लेना है, मेरी बात ना लेनी है तो मत लो, शशिकांत की ले लो, शशिकांत की नहीं लेनी है कोई बात नहीं, निमन की ले लो, निमन की लेनी है मुकेश की लो, मुकेश की लेनी है रोहित सर की लो, किसी की भी लो, लेकिन यहां से कुछ ना कुछ तो लेकर जाना। समझे बात? क्लियर है? चलिए, तो एक दूसरे की सफलता में खुश होना सीखे, मुरझाना नहीं है, कोई बात नहीं, आज इसका अच्छा है तो कल आपका भी अच्छा होगा। समझे नहीं समझे बात? समय बदलता है, एक जैसा नहीं होता है, आज इसका चट बड़ा बना है तो कल आपका भी होगा, रुके ही नहीं। तो मैं कह रहा था इतना खूबसूरत दिखा से हमें साफ नहीं लगेगा, लेकिन नहीं करते तो नहीं करते हैं। सोच लेको अपनों के बीच जाना, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग कि कई लोगों को मैंने देखा, ससुर है, ससुर, ससुर क्या होता मालूम है ना? ससुर मालूम है सभी को? सब ससुर बेटी तो दे देता पर सेल नहीं देता। तुमको दिया था? सर, अरे हर आदमी का ससुर मेरे जैसा नहीं होता ना, कई ससुर देखे मैंने तो, एक ससुर के बारे में ये सुना, उसने अपने दामाद को कमरे में बंद कर दिया कि जब तक पैसा लौटाएगा नहीं तब तक हम छोड़ेगा नहीं, ऐसे कई ससुर देखे हमने। बेटी दे दिया लेकिन सेल नहीं दे रहा है, साला वो ससुर कम असुर ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बेटी भैया आज दामाद अगर कुछ कर लेगा तो उसका सुख कौन लेगा? उसका बेटी। कौन लेगा भाई?